खोल के देख लाए इतना भाई, इतना थोड़ा था टक्कर मारे तो अपने हाथ से बनाए। तो ये आपका बच्चा हुआ। हाँ जी। सो पंचवर्षीय योजना के बाद फौजी भैया ने फाइनली मेरा फ्रिज बना एसी बना दिया है। तो हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइज इस वक्त 10 बजने वाले हैं, सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड, समय 11 बजने वाले हैं और आज मंगलवार का दिन है। बहुत ही बढ़िया दिन है। बढ़िया दिन इसलिए है क्योंकि आज मेरे रूम का एसी बन चुका है फाइनली 4 दिनों के बाद। ठीक है। तो चूंकि आज मंगलवार है इसलिए मम्मी आज सुबह से ही मंदिर में बैठी हुई है, पूजा कर रही है। ये देखो अब देखना ये है कि पूजा कितने बजे तक चलता है। अभी लगता है 2 घंटे हो गए। देखिए आज सब्जी भाई बना रहा है। क्या क्या बनाया भाई? आलू और कटहल का सब्जी है। हाँ, पुलाव है, यह फ्राइड दाल है, चना का। ये सब तुम बनाया है? अम्मा मम्मी मिल के बनाया। किस खुशी में बन रहा है इतना कुछ? मम्मी का कल फास्टिंग खाता है। और भाई लिटरली स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है सब्जी का। अभी मैं नीचे से कुछ 1 घंटे बैठ के आ भी गया। इस समय टाइम हो रहा है, देखते मंगलवार को बहुत लंबा जाता है बॉस। मम्मी ये सब कुछ मेरे लिए कर रही है, हनुमान जी को मनाने की कोशिश कर रही है। थैंक यू मम। गौरव के होते हमको खाने पीने का कोई टेंशन नहीं। ये देखिए मम्मी के नजर्स। हम खा के एक प्लेट खाए, एक प्लेट बना के ले आए। तो अभी गौरव ने मुझे आवाज दिया, बाहर का ग्रिल बंद था और मुझे बोलता है कि आंख बंद करके दरवाजा खोलने के लिए। मैंने सोचा क्या है ऐसा, जिसको देख के आपने रिएक्शन देखा, मम्मी बहुत ललच रही है। मैं गौरव को बोल रहा हूँ क्या नौकरी वोकरी के चक्कर में पड़े हुए हो, थोड़ो ये सब, चलो ढाबा खोलते हैं। हाँ तो मेरा जादू है, जादू खाना बहुत बढ़िया बनाता है। खाने का कोई भी सामान किसी भी तरह का आप बनवा लो, नॉनवेज नहीं खाता है फिर भी नॉनवेज बढ़िया बनाता है। मतलब कैलोरी चाहे कितना भी बर्न करो खाओ दबा के। और ये आदमी मेरे को स्लिम होने नहीं देगा। जिस दिन से मैंने ये वक्त दिया कि 1000 कैलोरी बर्न करूंगा उस दिन से ये भाई साहब कुछ ना कुछ बना बना के खिला ही रहा है। मैं 1000 बना रहा है। बाय द वे इसके लिए थैंक यू। अब बेसिकली देखिए लाइफ तो चल रही है लॉकडाउन की वजह से, भले ही हम लोग घर में बंद हैं, बट पहले एक टाइम था जब हम छोटे थे उस समय हम लोग स्कूल में जाके पढ़ते थे, लेकिन अभी मैंने तय किया है क्योंकि ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस के बहुत ज्यादा, तो क्यों ना कुछ नए स्किल्स सीखे जाए जो पहले नहीं आता है आपको या पहले आपने नहीं किया है। तो मैंने ये तय किया है कि मैं यू नो स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस एंड मनी इन्वेस्टमेंट इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सीखता हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में कि कैसे ये सब चीज़ें वर्क करता है। क्योंकि मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहा है वो साइंस के क्षेत्रों में रहा है, इंजीनियरिंग करी थी मैंने और ये पूरा फाइनेंस का चीज़ है। तो सीखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सीखने से ही इंसान यू नो आगे बढ़ता है। देखता हूँ कि क्या सीखने को मिलता है, क्या सीखता हूँ मैं। तब तक आप एक काम कीजिए, 2 दिन से मैं ब्लॉग बना नहीं रहा था तो 2 दिन मैंने क्या क्या किया है और किस किस सिचुएशन से गुजरा हूँ उसका एक झांकी देखिए। सो गाइज इस समय देखिए 9:10 हो रहे हैं, आज 2 मई 2021 है। आज मैंने पूरे दिन कोई ब्लॉग नहीं बनाया, पूरे दिन मैं बहुत ज्यादा थका हुआ सा महसूस कर रहा था क्योंकि कल मैंने कुछ 900 समथिंग कैलोरी बर्न किया था, बट शाम तक के मेरा ये डिटर्मिनेशन था कि मैं 1000 कैलोरी बर्न करूंगा। सो गाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 9 बज रहे हैं, मैं 6 बजे से ग्राउंड में था, अभी 1010 कैलोरी मैंने बर्न कर लिया है। पहली बार मैंने एक दिन में 1000 कैलोरी बर्न किया है और मैं सच बता रहा हूँ आई एम फीलिंग सो हैप्पी। पूरे दिन मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द था और मेरे पैर में भी बहुत ज्यादा दर्द था, अभी मेरे को अच्छा लग रहा है। द नेक्स्ट डे बेड पर से उठने का मन नहीं हो रहा है, यू नो मेरे जो ये दोनों ज्वाइंट है ना ये दोनों दर्द हो रहे हैं यार, मतलब आई डोंट नो व्हाई। आप ये देखिए मेरे पैर पे, मतलब मेरे पैरों में लिटरली फोका निकल गया और पूरे बॉडी में ऐसा दर्द सा महसूस हो रहा है। आज 3 तारीख है, आज भी मैं जाऊंगा, मैं चाहे जितना भी दर्द में महसूस कर रहा हूँ, बॉडी इतनी थकी हुई महसूस कर रही है, बट स्टिल मेरा ये डिटर्मिनेशन है। साहब क्या मस्त तेज हवा चल रहा है, दादी छुपी हुई है, अभी तो एकदम ऐसा हवा चला 1 मिनट के लिए कि लगा कि बिल्डिंग ही उड़ जाएगा। बारिश नहीं आएगा, हवा इतना तेज है कि बारिश आएगा ही नहीं। सब कपड़े नीचे गिर गया। और अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी दोपहर के 2:45 हो रहा है। सो मौसम का कोई भरोसा नहीं है इसलिए हमने गेहूं उठा दिया है, उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया है। गाँव का जो ये प्रोसेस होता है ना गेहूं को सुखाना, पहले उसको धोना, चुनना,
सुखाना, उसके बाद पीसने के लिए डालना, तभी तो गांव के लोग इतने ज्यादा हेल्दी होते हैं कंपेयर टू शहर वाले। अभी ग्राउंड में 1 घंटे हो गए हैं। आज मैं ग्राउंड में थोड़ा लेट से आया था, 7:30 में आया था, अभी 8:30 हो रहे हैं। मैंने कुछ 800 कैलोरी बर्न कर लिया। ये देखिए मेरे पीछे ये ग्राउंड है, वो जो लाइट जल रहा है ना वो पूरा 380 मीटर का ये ग्राउंड है, जिसको मैंने अभी 11 राउंड मारे तब 4 किलोमीटर मेरा पूरा हुआ है। इस समय ग्राउंड में कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो कोरोना का भी कोई डर नहीं है। खुले वातावरण में अच्छे से बढ़िया से आप एक्सरसाइज करो, चेहरा देख रहे होगे आप मेरा पसीने से तरबतर है। लेकिन एक चीज़ है बॉस, मतलब मैंने जब शुरू किया था 1 तारीख से पहले मैं वार्म अप करता था, 1-2 किलोमीटर दौड़ लिया, लेकिन 1 तारीख से मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे मेरा जो स्ट्रेंथ है वो वापस बढ़ रहा है। जैसे मैंने 2 किलोमीटर, फिर 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, आज 4 किलोमीटर पूरा कर लिया। स्ट्रेंथ मेरा जो है ना वो वापस आ रहा है, क्योंकि यही वो ग्राउंड है जहाँ पे मैं 7-7 और 8-8 किलोमीटर रन करता था पिछले लॉकडाउन में। जो ब्रांड है Devil's Lifestyle is a brand. Which company manufactures it? ITC. अच्छा, ITC. Is it listed on the stock exchange? Yes. So मैं इतनी नालायक हूँ कि I go in and buy only those brands of which I have shares. So, पिछले 2 दिन का आप देख लिए कि क्या क्या हुआ था। अभी 1.5 घंटे का क्लास चला और काफी बेसिक चीजें जो हैं वो क्लियर हुई फाइनेंस और स्टॉक मार्केट को लेकर के। अच्छा लगा, यू नो देयर इज द वाइड नॉलेज विच वी नीड टू यू नो कंज्यूम। मेनी पीपल डोंट हैव एन आइडिया अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल थिंग एंड दे जस्ट सिंपली से दैट कि यार जुआ है। इट्स नॉट अ जुआ, इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर एनालिसिस एंड राइट डिसीजन। तो ये सीखा मैंने आज।